इसमें हमने आपको संधि के विषय में बताया था, तो इस विषय में हम पूर्ण रूप से ये संधि प्रकरण जो है इसके विषय में ही आपको बता रहे हैं। और ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संधि जो है इसमें थोड़ा एग्जाम्पल आगे पीछे हो जाते हैं, तो अब हम इसका ध्यान रखेंगे और इसमें एग्जाम्पल अपने तरीके से ध्यान रखें। इसमें थोड़ा सा हम एग्जाम्पल अलग से दिए हुए हैं, तो हम इस विषय को ही देखते हैं कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि स्वर संधि, संधि किसे कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन तथा मेल ही संधि कहा जाता है, इसे ही हम संधि कहते हैं। तो ये संधि का है, यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो संधि कही जाती है और यदि इसे तोड़ देते हैं तो वह विच्छेद कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हुआ हमारा संधि प्रकरण। तो हम इसको पूर्ण रूप से उन एग्जाम के हिसाब से एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उनके आधार पर हमने आपको बताया। विद्या जमा आदे, विद्या जमा आदे, विद्या दे, ये बन जाता है। इसमें क्या है, आ जमा आ बराबर आ, इसमें आ का योग बनता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं, तो यहाँ पर आगे बताते हैं संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अन्य विसर्ग संधि। अब इनके भी अलग अलग भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि के विषय में यहाँ पर बताया गया है, तो स्वर संधि के यहाँ पर दीर्घ संधि भेद बताए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और इस प्रकार यण संधि और अयादि संधि। तो हम इन्हें अच्छी तरह से विस्तार से देखेंगे और इनको पढ़ेंगे। इसमें हमने आपको संधि के विषय में कल बताया था कि संधि स्वर संधि, स्वर संधि के भेदों तक हमने आपको दीर्घ संधि के विषय में बताया कि स्वर ये संधि किसे कहते हैं। संधि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो संधि कहा जाता है। जब उन्हें हम पहली स्थिति में रखते हैं, अर्थात उनको अलग अलग रखते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उन्हें संधि विच्छेद कहते हैं। तो वर्णों को, अलग अलग वर्णों को एक जगह करना संधि कहा जाता है और उनको अलग अलग करना संधि विच्छेद कहा जाता है। यही इसमें बताया गया है कि यहाँ पर इसमें ये संधि के संबंध में यही हमने आपको बताया कि संधि, और कहते हैं संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन भेद बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि स्वर संधि अलग अलग सभी के भेद
इसमें सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में देखते हैं कि स्वर संधि जो है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये इनके गुण माने जाते हैं, अर्थात ये इनके भेद हैं, अलग अलग भेद हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के भेद के विषय में हमने आपको बताया कि दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि ए आ जो है, इसमें कहते हैं कि दीर्घ संधि जो है ए आ मिलकर के, हमने आपको पहले बता दिया था कि ए ए बराबर आ, ए जमा आ बराबर आ, आ जमा आ बराबर आ, इसी प्रकार से ई का है, ई ई छोटी छोटी, ई जमा ई बराबर बड़ी ई, छोटी बड़ी बराबर बड़ी, या बड़ी बड़ी बराबर बड़ी, या बड़ी छोटी बराबर बड़ी, तो इसी प्रकार से वो भी इसी प्रकार से है। सभी वर्ण जो हैं, स्वर वर्ण जो हैं, जब भी समान वर्ण स्वर वर्ण आते हैं तो उनकी वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं। तो यही हम यहाँ देखते हैं और यही हमने आपको बताया। इसमें सबसे पहले इसका आपको ये उदाहरण बताते हैं कि स्वाधीन, स्वाधीन के बाद और अन्य उदाहरण भी हैं वो आपको बताते हैं। इसमें जैसे शिष्टाचार, शिष्टाचार इसमें शिष्टाचार के अंतर्गत शिष्ट जमा आचार, इसमें हम क्या देखते हैं, तय जो है, ते में ए और आचार में आ, क्या होता है ये, इसमें हम जो पहला पद है, इसमें संधि विच्छेद में दो पद होते हैं, जमा से पहला और जमा के बाद का दो, और यही जोड़े जाते हैं, इन्हीं का जोड़ होता है और इन्हीं में परिवर्तन होता है। तो अब क्या देख रहे हैं कि तय है, तय में हमने आपको पहले ही बताया था कि वर्णों के अंतर्गत कि तय में तय क्या है, व्यंजन है, तय व्यंजन है और यह बिना स्वरों के बोला नहीं जाता है। यदि इसके नीचे हलंत होता तो इसमें स्वर न होता, अब इसमें हलंत नहीं है तो इसमें निश्चित रूप से स्वर है। तो इस तय में कौन सा स्वर है, ए। अब जमा आचार, ये हुआ हमारा पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण, और जमा के बाद में दूसरा पद जो है, इस दूसरे पद का पहला वर्ण आ, आ आ गया। अब दोनों मिलकर के हमने आपको बताया था कि समान वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, ये हमारा दीर्घ हो गया, यहाँ आ आ होते तो भी आ ही होता, ए ए होते तो भी आ ही होता, इस प्रकार से आ ए होते या आ ए होते, ए आ जैसे ए और आ है ये भी आ ही बन जाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये शिष्ट जमा आकार शिष्टाचार, ये हमारा शिष्टाचार बन गया। जैसे सी चिस, अब आ इसमें है तो यहाँ पर आ हो जाएगा, शिष्ट हमारे सामने है और शिष्ट केवल इतना है, तो ये हमने इसमें से निकाल लिया, और इसमें आ का योग
हमारा आ जाता है। आगे बचता है चार, ये शिष्टाचार। तो ये हुआ हमारा शिष्टाचार। अन्य इसमें और भी उदाहरण हैं, वो हम आपको बताते हैं। इसी ही प्रकार से आ का हम देखते हैं महानंद। महानंद इसमें महा जमा आनंद। अब हमें देखना है इन दोनों पदों में, पहला पद का जो अंतिम वर्ण है वो है आ, दूसरे पद का पहला वर्ण जो है वह भी आ, दोनों आ हुए। यहां की आ पहले पूर्ण वर्ण पूर्ण पद का पहले पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद का पहला वर्ण आ, आ और आ मिलकर के आ बन जाता है, आ बन गया। तो यहां पर अब इसमें यही संधि है, ये इसका पूरा अर्थात संधि है, ये संधि विच्छेद है और कारण आ आ मिलकर के आ बनता है। तो यहां पर हुआ महाजमा आनंद। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण देखिए। और जैसे रवि ई के विषय में देखते हैं रविंद्र, रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र। अब इसमें यहां पर छोटी ई, यहां पर भी छोटी ई मिलकर के बड़ी ई, बड़ी ई बनता है। अब इसमें हमें देखना है, यहां पर आपको बड़ी ई नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि यहां पर संधि करने के बाद बड़ी ई ही आती है। यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो छोटी ई हम रखते हैं, क्यों? रवि शब्द ऐसे लिखा जाता है, रवि शब्द जो है वह ऐसे नहीं लिखा जाता, ये रवि शब्द गलत है, इसलिए यहां पर वर्ण लिखते समय शब्द लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर किस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं, उनकी मात्राओं का भी हमें विशेष रूप से, स्वर और व्यंजन स्वरों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये विशेषता है कि जैसे रवि जमा इंद्र, रवि छोटा छोटी ई और इंद्र में भी छोटी ई मिलकर के बड़ी ई, तो यहां पर रवि ये बन जाता है, रवि और ई इधर चला गया, इसलिए यहां पर इंद्र रविंद्र ये हमारा रूप बनता है। तो इसीलिए यहां पर छोटी छोटी मिलकर के बड़ी ई बन जाता है। इसमें अब ये तो हुआ, इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें देख लेना। और जैसे गुण संधि, अब हम गुण संधि के विषय में देखते हैं। ये तो हुआ आपका गुण संधि, ये जो हमने आपको बताया है ये हुआ आपका दीर्घ संधि। अब हम आपको गुण संधि के विषय में बताते हैं। ए आ के बाद ई ई आए तो ए हो जाता है, ए आ के बाद
एक हो जाता है। अब इसमें और यदि ए के बाद इसमें ऊ आए तो ओ हो जाता है। और यदि ए के बाद ए आ के बाद इसमें रिरी आए तो अर होता है। रिरी आए तो अर हो जाता है। अर हो जाता है तो ये हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर तो इसमें ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। ए आ के बाद में छोटा बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ए आ के बाद में रिरी आए तो अर हो जाता है। इन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गुण संधि में ये नियम लागू होते हैं। अब आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल। इसमें इसी को हम गुण संधि कहते हैं। इसमें इस प्रकार से तो जैसे ए आ ए जमा ई बराबर यहां पर ए। हमने पहले ही आपको बता दिया कि ए या आ के सामने यदि ई छोटी या बड़ी आ जाए तो ए बन जाता है। तो इसमें आगे देखते हैं स्वेच्छा। जैसे स्व जमा इच्छा इसमें कैसे बनता है स्वजमा इच्छा। स्व में ए इसमें ई दोनों मिलकर के क्या बनता है ए। और इसमें ए बनता है तो स्वे स्वे बन जाएगा। स्वे और चे और छा यहां पर है स्वेच्छा तो ये हमारा रूप बनता है। इसी प्रकार से और हैं और सभी उदाहरण हैं। जैसे जैसे उमा जमा ईश इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आ आ पहले पद का अंतिम वर्ण आ दूसरे पद का पहला वर्ण ई बराबर क्या बन गया ए। पहले ही ये नियम बताया गया है कि इसमें ई बनता है और इसमें उमा जमा ईश क्या बनता है
उमा, ई इधर आया तो उमे। हमने बताया कि आ हो या ए हो, आगे यदि छोटा या बड़ा ई है, छोटी बड़ी ई है तो ए बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी उमे, यहाँ घर आया, आ ई मिलकर के ए बन गया, उमे हो गया, और इसी प्रकार से शे आगे बाकी रहा, तो ये हमारा रूप बन गया उमेश। तो ये हुआ हमारा उमेश। इसी प्रकार से कमला ईश या गण ईश, जैसे ये तो आ का अनुभव है। यदि हम ऐ के विषय में उदाहरण देखते हैं, जैसे गणेश, गण जमा ईश, इसमें क्या हुआ, ऐ जमा ई बराबर ए। यहां पर ई यहां आया तो गणे बन गया, और श आगे गणेश, ये हमारा रूप बनता है। अब इसी ही प्रकार से इसको हम देखेंगे, और ये हुआ हमारा यहां पर गणेश। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ, गुण संधि हुआ, और गुण संधि के बाद में अब हम यहाँ पर वृद्धि संधि देखेंगे। इन उदाहरणों को भी देख लेना, जिस तरह से हमने बताया। चलो आपको फिर भी हम कुछ उदाहरण और बता रहे हैं, ओ का उदाहरण देख लीजिए। जैसे यथा उचित, यथाउचित में आ जमा उ, हमने आपको बताया था जहां उ का प्रयोग है वहां ओ बन जाता है, वहां ओ बनता है, ये हमारा रूप बन गया। आ पहला पद, पहले पद का अंतिम वर्ण आ, दूसरे पद का पहला वर्ण उ, तो दोनों मिलकर के नियमानुसार ओ बन गया। तो यथा में आ में जब उ का योग होगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो यहां पर आगे बचता है चित्र, जैसे यथो यथो और चित्र आगे बच गया, तो यथो चित्र, ये हमारा रूप बनता है। तो इसी प्रकार से अन्य भी देख लीजिए, अन्य उदाहरण के आधार पर यहां पर जैसे हम अर का देखते हैं, ए आ जैसे बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में अब हम इसे देखते हैं ए, और यहां पर ते ते में ए जमा ऋणि, ये दोनों मिलकर के बनता है अर, अर बन जाता है। अब हमें देखना है बसंतर्तु, जैसे ए और ऋणि, ए ऋणि अर बन जाता है अर। तो यहां पर बसंत, बसंतर आर बनता है, ए इसमें आ गया। अब रे जो है ये आधा है, और आधा रे जो है यहां पर कहां, जैसे बसंतर उ, ये रिडी यहां पर आ गया, तो रिडी और ए दोनों इधर आ गए, बसंत बसंत,
अब रे बाकी है और आगे इसमें तू बाकी है, तो बसंतर आगे वाला जो वर्ण होता है उस पर आधा रे जो है ये ऊपर आता है, इसलिए यहां पर बन जाता है बसंतर तू। तो ये हुआ हमारा बसंतर तू। जैसे महाऋषि, एक और उदाहरण देख लीजिए, महा महाऋषि, इसमें महाऋषि में अब यहां पर कौन सा है आ, फिर है रिडि, दोनों मिलकर के बनते हैं अर, अर बन जाता है। अब इसमें महा महा में अर, महा महा में अर का प्रयोग, आ ए में है अर, आ महा, इसमें महर महर बन जाता है, अर इसमें आएगा तो आगे शी है तो ये हमारा सी आ गया। अब रे बाकी है तो ये इसके ऊपर आता है तो महर्षि बन जाएगा, महर्षि का योग बनता है। इस तरह से आप इनको करेंगे तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और इससे आगे हम आपको फिर बताएंगे।